तो पंजाब के अलग अलग इलाकों में पराली जलाई जा रही है और दिल्ली एनसीआर में फिर से जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच गया। प्रदूषण को लेकर आप और बीजेपी में अब घमासान है, यानी ये कोई नई बात नहीं है। हर बार जब प्रदूषण का स्तर इसी महीने यानी दिवाली के बाद और इन्हीं सर्दियां आने से पहले जब बढ़ता है तो फिर ये सिर्फ प्रदूषित पॉलिटिक्स ही होती है, और वही इस बार भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के ऐसे 10 से ज्यादा इलाके हैं जहां पर AQI इस वक्त बहुत खराब श्रेणी में है, यानी 400 के पार पहुंच गया है, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे कि जब ये बहुत खराब श्रेणी यानी 500 तक पहुंच जाए, तो जो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। फिलहाल पंजाब के अलग अलग इलाकों में जो पराली जलाई जा रही है और ये सिलसिला अभी भी जारी है, और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है, वायु की गुणवत्ता है, वो बद से बदतर होती जा रही है। AQI कई इलाकों में 400 के पार दर्ज किया गया है, जिससे बहुत दिक्कत लोगों को हो रही है। कई लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की है, बच्चों को ही। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शिकायत दी जा रही है डॉक्टर की तरफ से कि वो ज्यादा प्रदूषित इलाके में बच्चों को ना लेकर जाएं। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से कहूंगा, आज का दिन विगत जितने महीने हैं उनमें पोल्यूशन का सबसे खतरनाक डे है। आप सब मास्क का यूज करें। हमने भी मास्क निकाला, कई दिन से अंदर रखे हुए थे। सब लोग अपने को बचाएं। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिनकी जिम्मेदारी इस पोल्यूशन को कम करने की है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दुख की बात यह है कि वो एक कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि कैसे इसे प्रदूषण का चैम्बर बना दिया गया है, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि पराली जलाने के मामले हर बार सामने आते हैं। आप देखिए, हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं ग्राफिक के जरिए, आपके लिए आसान होगा समझना। पराली जलाने की जो घटनाएं हैं पंजाब में 17,846, हरियाणा में 2,083, उत्तर प्रदेश में 777, दिल्ली में 6 और मध्य प्रदेश में 972। और इसके साथ आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, आप इसे समझिए ग्राफिक के जरिए। ये देखिए, पूरा ग्राफ हमने तैयार किया है। आप ये समझ चुके होंगे कितने मामले पराली जलाने के इस वक्त सामने आ चुके हैं, किन किन राज्यों से। पंजाब में सबसे ज्यादा हर बार आते हैं, कितने, 17,846 मामले। और हरियाणा की बात करें, 2,083 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ये 777 मामले, ये भी क्यों आए, ये भी नहीं आने चाहिए थे। दिल्ली में 6 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, 972 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 345। ये ग्राफ है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान का। हर साल यहां पर पराली जलाई जाती है। ये आंकड़ा कम ज्यादा होता है, लेकिन आपको ये बताएं कि ये ऐसे ही ग्राफ बढ़ता रहता है। अब सवाल ये है कि क्या इस पर राजनीति होती रहेगी या इसका कोई समाधान भी होगा। किसान ये कहते हैं कि उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो इसका विकल्प कब तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पंजाब का आंकड़ा जारी करते हुए ये कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र संगरूर में किसानों को राहत देने में नाकाम रहे। पिछले साल 15 सितंबर से 2 नवंबर तक संगरूर में खेत में आग जो लगी वो 1,266 मामले थे सामने, जो उस वक्त आए थे। वो ये आंकड़े बता रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊं, वो ये कहते हैं कि 15 सितंबर से 2 नवंबर तक संगरूर में खेत में आग के जो मामले थे, जहां आग लगी वो 1,266 थी, और इस साल वो 139% से बढ़कर 3,025 हो गए हैं। आज तक पंजाब और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा संचालित राज्य में 2021 में 19% से अधिक, यानी 19% से ज्यादा कृषि आग में वृद्धि देखी गई। हरियाणा में 30.6% की गिरावट देखी गई है। तो यह बताया जा रहा है कि कैसे पंजाब में वृद्धि हुई, हरियाणा में गिरावट हुई। तो ये किस तरह से अब इस पर राजनीति हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको दिल्ली कैसी है, दिल्ली की आबोहवा ये बताते हैं। पराली जलाने से दिल्ली में कैसे वायु प्रदूषण बना हुआ है, कितना बढ़ रहा है, वो देखिए।
मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं दूर की जो इमारतें हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दूर दूर तक धूल और धुंध की एक चादर बिछी हुई है। दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। आमतौर पर यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, लोग यहाँ पर साइकिलिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की संख्या कितनी कम है। अगर मैं आपको इंडिया गेट की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोगों की संख्या जो है इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। साथ ही सरकार ने भी लोगों से आवेदन किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करे, घरों में ज़्यादा रहे और ज़रूरी काम आने पर ही घर से बाहर निकले। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए भी ग्राफ का तीसरा चरण लागू कर दिया है, साथ ही कड़े प्रतिबंध लगाए हैं जिनको पालन करने के लिए भी काफ़ी टीमों का गठन किया है। शुभांग सिंह ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।